हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हसन आसर एंड यू गाइस आर वाचिंग स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। सो गाइस, आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है और ये लेटेस्ट वीडियो है गाइस 2021 की, इंडिया सीक्रेट वेपन्स ऑफ 2021। देयर आर लॉट ऑफ वेपन्स दैट इंडिया हैव और बहुत डेडली वेपन्स है और ये इनका जो सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरर है जहाँ से ये इम्पोर्ट करते हैं वह है रशिया एंड फ्रांस। यूएसए से भी इम्पोर्ट करते हैं बट रशिया को ज़्यादा ये सपोर्ट करते हैं इस मामले में। तो गाइस दूसरी बात ये है कि इंडिया खुद भी अपने मतलब मिसाइल बना रहा है, उसमें आकाश भी आता है, अग्नि भी आता है और बहुत से मिसाइल है जिनको आपने कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है कि यार ये जो वेपन है, ये इंडिया में बन रहा है। मैंने आकाश के बारे में थोड़ा सा स्टडी किया था, वो एक शॉर्ट रेंज मिसाइल है और बहुत ज़बरदस्त डिफेंस सिस्टम है। इसी तरह अग्नि आजकल वो ट्रेंडिंग में, अग्नि ट्रेंडिंग में है। चाइना अभी घबराया हुआ है कि अग्नि को कैसे वो मतलब काबू में कैसे लेकर आएंगे, इसी वजह से वो भी एक अपना एक मिसाइल बना रहा है उसकी एंटी। तो आई थिंक कि अग्नि को काबू में लाना इज अभी फिलहाल तो मुश्किल है। इट्स नॉट इम्पॉसिबल, इट्स पॉसिबल बट मुश्किल है। अग्नि एक बहुत ज़बरदस्त एक मतलब वेपन है इंडिया का और भी बहुत सारे वेपन्स हैं जो कि हम इंशाल्लाह इस वीडियो में देखेंगे और वीडियो का एंड तक आपने देखना है गाइस, लाइक करना है हमारी वीडियो को। अगर नहीं किया अभी तक वीडियो को जाके प्लीज़ 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 लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें हमारे चैनल को। अगर आपके मन में अगर कोई सजेशन है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके हमें अप्रोच कर सकते हैं, तो आप हमें सजेस्ट कर सकते हैं। सो गाइस वीडियो की जानब बढ़ते हैं, हमेशा की तरह काउंटिंग के साथ स्टार्ट करेंगे। वीडियो को एंड तक देखना है, इंशाल्लाह लास्ट में आखिर में मैं अपना व्यू पॉइंट दूंगा कि मेरा पर्सपेक्टिव एक पाकिस्तानी पर्सपेक्टिव से ये वेपन्स कितने अच्छे हैं। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं, 3, 2, 1 स्टार्ट। दोस्तों, जब भी किसी दो देशों का युद्ध होता है तो उस युद्ध में आग में घी डालने का काम अमेरिका और रूस जैसे ताकतवर देश करते हैं। दुनिया में तीन तरह के देश हैं। पहला स्विट्जरलैंड जैसा खूबसूरत और आज तक किसी भी देश से ना लड़ने वाला देश। दूसरा भारत और इजराइल जैसा देश जिन्हें ना चाहते हुए भी युद्ध की ओर जाना ही पड़ता है, क्योंकि भारत के एक तरफ पाकिस्तान है जो हमेशा किसी न किसी बात के लिए भारत से लड़ता ही रहता है, तो दूसरी ओर चीन भारत के जमीन पर नजर गड़ाए बैठा है। और भारत ने जरा सी भी कुताही बरपी इन देशों से सतर्क रहने में, तो आपको पता है चीन भारत के एक बड़े भाग पर कब्जा कर लेगा। वहीं इजराइल के आसपास मिडिल ईस्ट के ऐसे देश हैं जो इजराइल से आए दिन उलझते रहते हैं और इसीलिए भारत इजराइल जैसे देश हमेशा अपनी सुरक्षा को पहली प्राथमिकता देते हैं, अपने हथियारों को और अधिक घातक बनाने को पहली प्राथमिकता देते हैं। और यही वजह है कि इन हथियारों के रहते पाकिस्तान तो क्या चीन भी भारत पर आंख उठाने से पहले 100 बार सोचता है। ये हथियार कितने घातक हैं आप इस बात से अंदाजा लगा लो कि भारत ने इन हथियारों को आज तक छिपा कर रखा हुआ है। तो आज के इस वीडियो में हम भारत के इन्हीं जबरदस्त और गुप्त हथियारों के बारे में जानेंगे, लेकिन वीडियो में आगे जाने से पहले हम आपको बता दें कि हमने इस वीडियो में उन्हीं बातों को बताया है जो पहले से ही नेट पर मौजूद हैं। इस वीडियो में हम सबसे पहले बात करते हैं भारत के अत्यंत गोपनीय हथियार काली की। दोस्तों, काली एक पार्टिकल एक्सेलरेटर है जिसे DRDO और भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर ने मिलकर तैयार किया है। काली का फुल फॉर्म किलो एम्पियर लीनियर इंजेक्टर है और यह एक संयोगी है कि इसका पूरा नाम KALI यानी काली हुआ, एक देवी का नाम जिन्हें शत्रु का विनाश करने वाली देवी कहा जाता है। इस हथियार की खासियत यह है कि यह टारगेट को तबाह करने के लिए कोई लेजर बीम का इस्तेमाल नहीं करता, बल्कि इससे रिलेटेड इलेक्ट्रॉनिक बीम की इतनी पावरफुल पल्स निकलती है जो टारगेट के इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को नष्ट कर देती है, तबाह और बर्बाद कर देती है। इस प्रकार से यह एक एनर्जेटिक हथियार है लेकिन पूरी तरह से लेजर गाइडेड हथियार नहीं है। दोस्तों, अब हम आपको एक और खतरनाक हथियार के बारे में बताने जा रहे हैं जिसके बारे में जानकर खुद अमेरिका भी हैरान है। जी हाँ दोस्तों, इस भारतीय हथियार का नाम है दुर्गा। इसका फुल फॉर्म डायरेक्शनली अनरेस्टिकेटेड रे गन एरे है। जैसा कि आप जानते हैं, दुर्गा भी काली का ही एक रूप है जिसे शक्ति का प्रतीक माना जाता है। दोस्तों, यह DRDO का एक सीक्रेट मिशन है जिसके बारे में बहुत ही कम जानकारियां बाहर आई है। यह एक लेजर वेपन है जिसे आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तीनों इस्तेमाल कर सकती है। यह हथियार ऑफेंसिव और डिफेंसिव दोनों तरह से काम करेगा, मतलब यह आपकी रक्षा भी करेगा और दुश्मन पर हमला भी करेगा।
दोस्तों DRDO के इस प्रोजेक्ट से 100 किलो की एनर्जी तक जनरेट हो सकेगी। हम आपको बता दें कि इतने पावर की लेजर अभी तक किसी भी देश के पास नहीं है। अब हम बात करते हैं भारत के उस हथियार की जो हमारे सेना की ताकत है, जो शत्रु को किसी भी वक्त मिटाने की कुव्वत रखता है। सबसे पहले बात करते हैं बैलिस्टिक मिसाइल की, जिसे शॉर्ट में BMD भी कहा जाता है। भारतीय बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा कार्यक्रम इंडियन बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस प्रोग्राम के तहत बैलिस्टिक मिसाइल हमलों से बचाने के लिए भारत द्वारा एक बहुस्तरीय बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा प्रणाली तैनात करने की पहल हो चुकी है। मुख्य रूप से पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल के खतरे को देखते हुए इसे शुरू किया गया है। इस कार्यक्रम के तहत 2 मिसाइलों का निर्माण किया गया है। ऊंचाई की मिसाइलों को मार गिराने के लिए पृथ्वी एयर डिफेंस और कम ऊंचाई वाले मिसाइल को मार गिराने के लिए एडवांस एयर डिफेंस को विकसित किया गया है। ये दोनों मिसाइल 5000 किलोमीटर दूर से आ रहे मिसाइलों को मार गिरा सकती हैं। पृथ्वी एयर डिफेंस मिसाइल को नवंबर 2006 तथा एडवांस एयर डिफेंस मिसाइल को दिसंबर 2007 में टेस्ट किया गया था। पृथ्वी एयर डिफेंस मिसाइल के टेस्ट के साथ भारत एंटी बैलिस्टिक मिसाइल टेस्ट करने वाला अमेरिका, रूस, इजराइल के बाद चौथा देश बन गया है। अब हम जानते हैं पिनाका मिसाइल सिस्टम के बारे में। 1980 के दशक में ही DRDO ने पिनाक मिसाइल विकसित करना शुरू कर दिया था। इसका नाम भगवान शिव के धनुष के नाम पर रखा गया है। पिनाक असल में एक फ्री क्लास आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम है, जिसकी रेंज 37.5 किलोमीटर की है। पिनाक रॉकेट को मल्टी बैरल लॉन्चर से छोड़ा जाता है। यह लॉन्चर सिर्फ 44 सेकंड में 12 रॉकेट दाग सकता है। भगवान शिव के धनुष पिनाक के नाम पर विकसित किए गए इस मिसाइल सिस्टम को भारत और पाकिस्तान से लगी सीमाओं पर तैनात करने के मकसद से बनाया गया है। पिनाक मूल रूप से एक मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम है, जिसमें सिर्फ 44 सेकंड में 12 रॉकेट दागे जा सकते हैं। पिनाक रॉकेट के एक बैटरी में 6 लॉन्चर व्हीकल होते हैं, साथ ही लोडर सिस्टम, रडार और लिंक विद नेटवर्क सिस्टम और एक कमांड पोस्ट होती है। एक बैटरी के जरिए 1x1 किलोमीटर के पूरे एरिया को ध्वस्त किया जा सकता है इस बैटरी के जरिए। दोस्तों, अब हम बात करते हैं देश के नौसेना की ताकत INS विक्रमादित्य की। विक्रमादित्य का मतलब होता है सूर्य की तरह प्रतापी। विक्रमादित्य 400 टन भार वाला, 284 मीटर लंबा और 60 मीटर ऊंचा युद्धपोत है। इसकी लंबाई लगभग 3 फुटबॉल मैदानों जितना और ऊंचाई लगभग 12 मंजिला इमारत जितना है। इस पर MiG-29 के लड़ाकू विमान, Kamov-31, Kamov-28, HL ध्रुव और चेतक हेलीकॉप्टर सहित 30 विमान तैनात और एंटी मिसाइल प्रणाली तैनात होंगे। इसके परिणाम स्वरूप इसके 1000 किलोमीटर के दायरे में दुश्मन का लड़ाकू विमान और युद्धपोत फटक नहीं सकेंगे। अब बात करते हैं भारत की एक और धुरंधर हथियार की जो भारत के पास है, फाल्कन अवॉक्स। ये भारत का सबसे बड़ा लड़ाकू विमान है, जो दुश्मन पर 2400 घंटे बाज की तरह पैनी नजर रखता है। यह एयरबोन अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम में सबसे एडवांस लड़ाकू विमान माना जाता है। इसके अंदर दुश्मन को बहुत दूर से देखकर उसकी एक्टिविटी पर ध्यान रखने की क्षमता है। साथ ही यह कई किलोमीटर दूर से ही अपने दुश्मन को मार सकता है। INS चक्रा। दोस्तों, देश पर सिर्फ आसमान से ही नहीं बल्कि समुद्र से भी खतरा रहता है, इसलिए अपनी समुद्री सीमाओं की सुरक्षा करना भी बेहद ही महत्वपूर्ण है। इसमें बहुत ही खास महत्व निभाती है INS चक्रा। INS चक्रा एक पनडुब्बी है जो समुद्र में रहकर भारतीय सरहद की सुरक्षा करती है। यह भारत की पहली न्यूक्लियर अटैक पनडुब्बी है, जो दुश्मन के लिए बेहद ही खतरनाक साबित हो सकती है। इसके अंदर मिसाइल है जो बहुत दूर से ही दुश्मन को ध्वस्त कर सकती है। दोस्तों, आपने 26 जनवरी के दिन लाल परेड ग्राउंड पर होने वाली परेड देखी होगी तो आपने ब्रह्मोस मिसाइल को भी जरूर देखा होगा, क्योंकि इस मिसाइल को देश की शक्ति परेड में शामिल जरूर किया जाता है। दोस्तों, यह मिसाइल कई किलोमीटर दूर से ही पाकिस्तान के कई बड़े शहरों को खत्म कर सकती है। इसे किसी पनडुब्बी या विमान से भी लॉन्च किया जा सकता है। यह एक रेस बैंड सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है जो बहुत ही शक्तिशाली है। परमाणु बम। दोस्तों, जब देश के परमाणु ताकत की बात करें तो यह हमारे लिए गर्व की बात है कि हम एक परमाणु शक्ति संपन्न देश हैं। हमारे परमाणु हथियार चीन हो या पाकिस्तान, चाहे कोई और देश हो, उसे बड़े ही आसानी से नष्ट कर सकते हैं। यह भारत का सबसे बड़ा हथियार माना जाता है। यह 500 किलो वजन वाला हाई स्पीड परमाणु बम है जो भारत के पास है। ऐसे कुल 10 परमाणु बम है भारत के पास। दोस्तों, हम आपको यहाँ बता दें कि दुनिया में हम तो क्या, दुनिया का कोई इंसान नहीं चाहेगा कि उसे परमाणु बम इस्तेमाल करने का कोई जरूरत महसूस हो, क्योंकि यह किसी भी देश के विनाश का कारण बन सकता है। इसलिए भारत ने अपना परमाणु बम किसी पर हमला करने के लिए नहीं बल्कि किसी के हमले से बचने के लिए बनाया है, क्योंकि जब भारत के पास परमाणु बम होगा तो डर के मारे कोई भी देश, चीन हो या पाकिस्तान या अमेरिका ही क्यों न हो, हमला करने से पहले वह 100 बार सोचेगा। दोस्तों, हमें पता है अगर आपने यह वीडियो पूरा देखा होगा तो आपका सीना गर्व से चौड़ा हो गया होगा और आप अपने आप को भारतीय होने पर गर्व महसूस कर रहे होंगे।
ये जो फीलिंग आई है आपके दिल के अंदर, इसे अपने आप तक ही सीमित ना रखें। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप, फेसबुक या किसी और माध्यम से शेयर जरूर करें, ताकि वो भी गर्व महसूस कर सके। मिलते हैं अगले वीडियो में। यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, और कमेंट बॉक्स में यह अवश्य बताएं कि इन हथियारों में से भारत का सबसे खतरनाक हथियार आपको कौन सा लगा। सो गाइज, यहाँ पर वीडियो होती है 8 मिनट्स की एंड। ओके गाइज, मैं आपको थोड़े से अपना फेवरेट भी बता दूँ यार। आप जो सीक्रेट वेपन्स रखे हुए हैं उसमें मेरा सबसे फेवरेट, टॉप 3 में मेरा सबसे फेवरेट है ब्रह्मोस। ब्रह्मोस को मैंने पहले भी स्टडी किया हुआ है, एक बहुत ज़बरदस्त मिसाइल है और एट ए टाइम काफ़ी तबाहियाँ कर सकते हैं। मैं वैसे इंकरेज नहीं करता, बट वेपन अच्छा बनाया है। वेपन बनाना एक कोई खाला जी का वाड़ा नहीं है, इतनी मेहनत लगती है भाई, इतना दिमाग लगता है इनको बनाने वाले। मतलब मोस्टली वेपन जो थे वो इंडिया से मतलब बने हुए। एक S-400 है जो कि इन्होंने रशिया से इंपोर्ट की है, और आई थिंक उसकी पेमेंट भी क्लियर हो गई है, $300 million आई। ओह माय गॉड, इतना ज़्यादा पेमेंट। ओके, अच्छा दूसरा जो था काली, KALI, वो भी मुझे बड़ा अच्छा लगा। तो तीसरा जो वेपन जो मेरा फेवरेट है वो है पृथ्वी। अच्छा, सीक्रेट वेपन्स में ये कुछ नाम ऐसे थे जो मैंने पहले सुने हुए थे, जैसे कि ब्रह्मोस हो गया, पृथ्वी हो गया, काली का नहीं मैंने नाम सुना, और जो बाकी जो मिसाइल थे वो बहुत ही ज़बरदस्त थे, बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त। अच्छा, एक मिसाइल है मुझे सबसे पसंद है गाइस, वो है आकाश मिसाइल और अग्नि मिसाइल। उसके बारे में मैंने स्टार्टिंग में भी आपको बताया। तो वो जो मिसाइल है, जो आकाश है वो शॉर्ट रेंज का है और अग्नि है लॉन्ग रेंज वाला, तो इतने ज़बरदस्त वेपन्स है गाइस। तो आई थिंक पाकिस्तान का जो, अच्छा डिफेंस बजट की बात करें तो पाकिस्तान का परसों गालिबन 2021 का जो डिफेंस बजट जो बजट था वो पेश हुआ, उसमें डिफेंस का जो बजट था वो पहले से भी कम हो गया। मैं मजाक भी कर रहा हूँ, ये हकीकत, ये फैक्ट है। पाकिस्तान का जो बजट है पिछले साल से कम हुआ है डिफेंस का बजट, जबकि इंडिया का जो बजट है वो 70 बिलियन आई थिंक इतना है। मुझे करेक्ट करिएगा कमेंट में अगर मैं गलती कर रहा हूँ, तो पता नहीं कितने, सात गुना पाकिस्तान से ज़्यादा है। ये ऐसे आटे में नमक बराबर, ब्रो। सो गाइज, दिस इज़ सो ह्यूज। पाकिस्तान नीड टू, अगर उसे इंडिया को कम्पीट करना है तो उसे अपना डिफेंस बजट को बढ़ाना पड़ेगा। अदरवाइज पाकिस्तान ने हमेशा 4 बारी मतलब इंडिया के पास गया है जंग लड़ने, सो कॉल्ड कारगिल 1965, 1971, 1948, तो चारों में ही शिकस्त खाई है और चारों में पाकिस्तान ने पहल की है, और पाकिस्तान प्रिपेयर ही नहीं था। पाकिस्तान तो भाई फौजी जो भेजे थे उनको खुद को नहीं पता कि उन्होंने करना क्या। कारगिल वार की बात कर रहा हूँ, उसमें मुझे मेजर गौरव आर्या साहब की मैंने जो वीडियो देखी और खान सर की वीडियो देखी, उनमें मुझे पता चला कि इन्होंने अपने जो 1 ईयर की प्लानिंग की है, मतलब बिफोर स्टार्टिंग वॉर अगेंस्ट इंडिया इन 1999, करगिल वार की बात कर रहा हूँ, तो उसमें पूरा साल ही उन्होंने अपने प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ को ऐड ही नहीं किया भाई। फ़ोन कॉल की मुशर्रफ साहब ने चाइना में बैठकर एक होटल में पाकिस्तान की चीफ मिनिस्टर को, देन उन्होंने की कॉल और ये कॉल लीक हो गई। ये चाइना से गई अमेरिका से गई इंडिया वालों को बताया कि भाई आप पर हमला होने वाला है, तो फिर उसके बाद इंडिया ने हमला कर दिया। तो पाकिस्तान के जो फौजी गए थे जिन्हें पता ही नहीं था करना क्या, मोर्चे बनाए थे लड़ सकते हैं उनके 70, तो मोर्चे बोखलाहट में बना लिए 150, और उसकी प्रिपरेशन जो थी वो सिर्फ 70 की थी, खाने की सप्लाई थी 70 की, तो भूख से मर रहे थे हमारे फौजी भाई। हमारे फौजियों को छोड़ दिया उधर, उसके बाद जो इंडियंस थे जो फौजी पाकिस्तान के मरे, उन्होंने पाकिस्तानी मुसलमानी तरीके से, मुसलमान के तरीक़ों से उन्हें दफन किया, अजान दी, फिर उसके नमाज जनाजा पढ़ाई, फिर उसके बाद उसे दफन कर दिया। इवन कि इनको गैरत नहीं आई कि इन्होंने अपने फौजियों को एक्सेप्ट करने से मना कर दिया, पता नहीं क्या था। फिर उसके बाद नवाज शरीफ को भेजा अमेरिका जाओ जाकर, उसके बाद वहाँ उस टाइम पता नहीं कौन थे, सदर थे, बुश थे पता नहीं आई थिंक, तो उन्होंने सीज़ फायर का ऐलान किया कि सीज़ फायर होनी चाहिए। तब से पाकिस्तान, यार अगर आप लोगों ने जंग लड़नी है ना तो बहादुरी से लड़ो भाई,
प्रिपेयर होके लड़ो, ऐसे नहीं कि अपनी जवान जो बेचारे गरीब होते हैं पीछे से रोटी पानी उन्होंने भेजना होता है उन्हें आगे करते देते और खुद मतलब एसी वाले कमरों में बैठे होते हैं, ये फैक्ट मेरे दिल की भड़ास निकल रही है। तो गाइज आने वाले डेज में मैंने 1971, 1965 और करगिल वार इनकी और भी चैनल्स की वीडियोस पर रिएक्शन देना है। तो अगर आपके पास कोई सजेशन है तो कमेंट सेक्शन में आपने ज़रूर मुझे बताना है, मैं उस पर रिएक्शन ज़रूर दूंगा। सो गाइज वीडियो होती है एंड और सो गाइज काइंडली लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि जब आप लाइक करते हैं कमेंट करते हैं हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलती है, इससे यूट्यूब एल्गोरिथम हमारी वीडियो काफ़ी लोगों तक पहुँचाता है, हमारा पाकिस्तानी पर्सपेक्टिव इंडियंस तक पहुँचता है कि पाकिस्तानी क्या सोचते हैं। तो गाइज प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा एंड इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक अपना ख्याल रखें, ज़बरदस्त रहें और टेक केयर गाइज, अल्लाह हाफिज़।